जय हिंद दोस्तों वंदे मात्र इस समय दो बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं पहली तो ये कि पूर्वोत्तर के असम नागालैंड और मणिपुर में जो भी कोई एरिया ए एफ एस पी ए के अंडर में आते थे जिसमें कि सुरक्षा बलों को अतिरिक्त मतलब जो भी अधिकार थे वो दिए गए थे उस एरिया को घटा लिया गया है जो कि वहाँ की जनता काफ़ी समय से चाह रही थी क्योंकि इसमें कई बार इस भारत के भी आरोप लगाए गए कि भाई सुरक्षाकर्मियों ने कई बार गलत काम भी किए तो अब उसको कम कर लिया गया है ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और दूसरा सदन में किस प्रकार से अमित शाह ने विपक्षी दलों को धोया है ये बताते हुए कि जब हम दो थे तब नहीं तो तीन दो में क्या डरेंगे ये सब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों को लेकर कहा जिसमें वो नाने के, के चुनाव को ना कराने के ऊपर भाजपा को घेरते हुए दिख रहे थे जरा तो बात करते हैं इन दोनों ही विषयों के ऊपर सबसे पहले तो मोदी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि नागालैंड आसम और मणिपुर में ए के तहत आने वाले एरिया को कम कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम मतलब ए के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड असम मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि एएफएसपीए के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है अमित शाह ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी के अटूट प्रतिबद्धता से हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो दशकों से उपेक्षित था अब शांति समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जाहिर सी बात है इससे विपक्षी दलों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है और इसी के साथ साथ दिल्ली नगर निगम एकीकरण बिल बिल मतलब कि अमेंडमेंट बुधवार को 30 मार्च को लोकसभा में पारित हो गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल बिल को सदन में में पटल पर रखा बिल में दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करके पार्षदों की संख्या ढाई तक सीमित करने का प्रस्ताव है फिलहाल दिल्ली में पार्षदों की संख्या दो है बिल पर चर्चा के दौरान शाह ने बताया कि किन कारणों से ये बिल लाने की जरूरत पड़ी है साथ ही विपक्ष के चुनाव से भागने के आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया बिल पर चर्चा के दौरान शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार एम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है इसके चलते सारे नगर निगम अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए खुद को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं कर पाते हैं मैं जो बिल लेकर आया हूं उससे दिल्ली नगर निगम को एक किया जाएगा एक निगम दिल्ली का ध्यान रखेगी और दिल्ली के पार्षदों की संख्या भी दो से सीमित कर ज़्यादा से ज़्यादा ढाई किया जाएगा उन्होंने कहा कि पहले ये बंटवारा राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था तीनों निगमों के दस साल चलने के बाद नीतियों के बारे में एक नहीं है नीतियों को निर्धारित करने की ताकत अलग अलग निगमों के पास है कार्मिकों के बीच भी असंतोष जाहिर होता है तब सोच समझ बंटवारा नहीं किया गया था जो लोग चुनकर आते हैं उन्हें निगम चलाने में परेशानी होती है बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया था कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और चुनाव कब होंगे इसके जवाब में गृह मंत्री शाह ने कहा कि हम चुनाव से नहीं डर रहे बल्कि चुनाव से वो लोग डर रहे हैं जो अभी तुरंत चुनाव करवाना चाहते हैं इन लोगों को लगता है कि अभी आनंद फानंद में चुनाव जीत जाएंगे लेकिन छः महीने बाद चुनाव हुए तो थो जीतना थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के शुरुआती दिनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो जब दो थे तब भी नहीं डरते थे अब तो तीन हैं तब क्यों डरेंगे अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या कर सत्या हत्याना हमारी संस्कृति नहीं है हम अपनी विचारधारा अपने नेता की लोकप्रियता और सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हर जगह पर चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं परिवार के आधार पर पार्टी चलाने वालों को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता लगातार इस मुद्दे पर हमलावर रहे हैं चुनाव में हार के डर से भाजपा चुनाव टालने का प्रयास कर रही है इसके जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें चुनाव से हार का कोई डर नहीं है यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी की तीन सीटों पर लड़ी और सभी पर उसकी जमानत जब्त हुई उत्तराखंड चुनाव में सत्तर में से अड़सठ सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई वहीं गोवा में उनचालीस में से पैंतीस सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई मतलब यहाँ पर हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं मतलब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट था वही डूब गया आपका इन चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी पाँच सीटों पर चुनाव लड़े और चार पर जमानत जब्त कराकर बैठ गए वहीं भाजपा ने पाँच में से चार राज्यों में चुनाव जीते हैं शाह ने बताया कि अनुच्छेद दो सौ उनचालीस ए ए बी संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या फिर किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है जाहिर सी बात है यह अपने आप में अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाली बात है जो कि विपक्ष अपने तरीके से ही लोगों के सामने ढापीट कर बता रहा था मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही जय हिंद जय भारत